Hello dear friends, this is Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel AU Comm Scholar. Today's topic is price elasticity of supply. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे price elasticity of supply के बारे में और जानेंगे degrees of elasticity of supply को. जैसे कि आप जानते हैं degrees of elasticity of supply में basically पांच चीजें economists ने group की है, जिसमें पहला है perfectly elastic, दूसरा है perfectly inelastic, तीसरा है unitary elastic, चौथा है elastic और पांचवा है inelastic. इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इन सारी चीजों को हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर कीजिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आइए शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से और इसे डिटेल में समझते हैं. तो इसमें कहा जा रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स प्राइस. कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की जब खुद की प्राइस में जब चेंजेस आते हैं तो उससे उसकी जो भी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ रहा है, वो जितना भी चेंज आ रहा है उसे कहते हैं डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कि थोड़ा सा चेंज आने की वजह से कितना रिस्पॉन्सिव है, कितना ज्यादा, मतलब थोड़ा सा प्राइस चेंज होने की वजह से कितना ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रहा है, तो उसे मेजर करते हैं डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस की फॉर्मेट में. और इसे मेजर करने का तरीका है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स प्राइस. ठीक, इट मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन प्राइस. ये क्या मेजर करता है? ये सेंसिटिविटी मेजर करता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की प्राइस में जो चेंज आ रहा है उससे वो कितना ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है, कितना ज्यादा उसकी सप्लाई में चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कितना ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा है या बहुत कम आ रहा है तो कितना आ रहा है. तो ये मेजर किया जाता है, ये सेंसिटिविटी मेजर की जाती है कि पर्टिकुलर कॉमोडिटी की प्राइस के चेंज होने की वजह से ये कितना प्रभावित हो रहा है, कितना चेंज आ रहा है. इसको मेजर करने का एक फॉर्मूला भी है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. ठीक है, price elasticity of supply में हम क्या मेजर करते हैं? हम percentage change in quantity supplied, जो भी percentage change in quantity supply है ना, उसे हम percentage change in price से divide करके हम price elasticity of supply को निकालते हैं और degree of responsiveness को study करते हैं. इसका एक और formula है, जैसे हमने यहाँ बोला ना percentage change in, इसे बोलते हैं proportionate change in quantity supplied divided by proportionate change in price. चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं. डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में कहा जा रहा है. टू डिस्क्राइब वेरियस डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इकोनॉमिस्ट हैव ग्रुप्ड देम इन फाइव कैटेगरीज. तो अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डिग्रीज को समझने के लिए इकोनॉमिस्ट ने इन्हें पांच अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित कर दिया है, डिवाइड कर दिया गया, जिसमें सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक, तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक, चौथा है इल इलास्टिक और पांचवा है इन इलास्टिक. आइए इन पांचों को एक एक करके स्टडी करते हैं और लास्ट में ग्राफ में भी इसे समझेंगे. सबसे पहला था हमारा परफेक्टली इलास्टिक. तो परफेक्टली इलास्टिक के बारे में क्या कहा जा रहा है? इनफाइनाइट और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई रिप्रेजेंट्स अ केस इन विच द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कॉमोडिटी रिस्पॉन्ड्स बाय एन इनफाइनाइट अमाउंट टू अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस. तो परफेक्टली इलास्टिक को हम इनफाइनाइट भी कंसिडर करते हैं और ये बताया जा रहा है कि जब एक थोड़ा सा प्राइस चेंज आता है ना किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की खुद की प्राइस में थोड़ा सा चेंज आता है और उसकी वजह से बहुत बड़ी क्वांटिटी में सप्लाई चेंज हो जाता है, तो उसे हम परफेक्टली इलास्टिक कंसिडर करते हैं. इसे इनफाइनाइट भी बोलते हैं. एक बार मैं वापस रीड करूंगा, आप समझिएगा कि इनफाइनाइट और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई रिप्रेजेंट्स अ केस इन विच द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी रिस्पॉन्स बाय एन इनफाइनाइट अमाउंट टू अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस. समझ रहे हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस में बहुत थोड़ा चेंज आने के वजह से उसकी क्वांटिटी सप्लाइड में इनफाइनाइट चेंजेस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, उसे हम परफेक्टली इलास्टिक कंसिडर करते हैं. दूसरा कह रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक. परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई के लिए कहा जा रहा है कि इन विच देयर इज नो सप्लाई रिस्पॉन्स नो मैटर हाउ लार्ज द प्राइस चेंज टेक्स प्लेस. मतलब समझ रहे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक वो कंडीशन होती है सप्लाई की जहां पे किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की खुद की प्राइस जितनी चेंज हो जाए लेकिन उसकी सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ता, उसे परफेक्टली इनइलास्टिक कंसिडर किया जाता है.
ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक में क्या कहा था कि खुद की प्राइस थोड़ी सी चेंज होने की वजह से बहुत ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है, और परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या कह रहे हैं कि खुद की प्राइस चाहे जितनी मर्जी उतनी चेंज हो जाए लेकिन इसकी जो खुद की क्वांटिटी सप्लाई है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। तीसरा कह रहे हैं यूनिटरी इलास्टिक। अब इसमें कह रहे हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि ये वो कंडीशन होती है जहां पे किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जो प्राइस में चेंज आ रहा है ना, जितना भी प्राइस में परसेंटेज चेंज आ रहा है उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ रहा है परसेंटेज के फॉर्मेट में, तो उसे हम यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। मतलब 1% प्राइस के बढ़ने पे 1% सप्लाई बढ़ गया, 15% प्राइस के बढ़ने पे इंक्रीज होने पे 15% हमने सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, तो दिस इज यूनिटरी इलास्टिक कि जितना जितना प्राइस बढ़ेगा उतना उतना आपका सप्लाई बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, दिस इज यूनिटरी इलास्टिक। अगला है इलास्टिक। इलास्टिक में कह रहे हैं सप्लाई इज सेट टू बी इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। इलास्टिक में क्या कहा गया है कि जो खुद की प्राइस, जैसे मान लीजिए प्राइस 10% चेंज हुई, ठीक है, 10% प्राइस के चेंज होने की वजह से 15% क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आ गया, तो इसे हम इलास्टिक कहेंगे कि सप्लाई सेट टू बी इलास्टिक व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। खुद की प्राइस जितनी भी परसेंट चेंज हो रही है उससे ज्यादा अगर क्वांटिटी सप्लाई अगर चेंज हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम इलास्टिक कंसिडर करेंगे। अगर हम इन इलास्टिक की बात करें तो इन्होंने बोला सप्लाई सेट टू बी इन इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब प्राइस जितना परसेंट चेंज हो रहा है उससे कम क्वांटिटी में या उससे कम परसेंटेज में जब सप्लाई चेंज होती है तो उसे हम इन इलास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि प्राइस 10% चेंज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है वो बात की बात है, आपको मालूम है ना इंक्रीज करने पे सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज करने पे सप्लाई भी डिक्रीज कर जाएगी। तो मान लीजिए कि प्राइस जो है वो 10% इंक्रीज हो रही है लेकिन सप्लाई प्राइस के कंपेरेटिव सिर्फ 8% इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है सप्लाई प्राइस के अकॉर्डिंगली कंपेरेटिवली कम चेंज हो रहा है, चेंज तो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, तो इसे हम इन इलास्टिक कंसिडर करेंगे कि सप्लाई सेट टू बी इन इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, तो वो इन इलास्टिक की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, आइए हम ग्राफ को समझ लेते हैं। तो ग्राफ जो है वो इस प्रकार है कि पांचों हमारे जो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, तीसरा यूनिटरी इलास्टिक, चौथा इलास्टिक और पांचवा इन इलास्टिक। अब यहाँ पे हम ग्राफ देख सकते हैं। तो जो पहला ग्राफ है आप हमेशा याद रखेंगे कि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी की बात की जाती है, वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस की बात की जाती है। तो पहला जो है हमारा दैट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में क्या है, प्राइस आपकी सेम है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के बारे में क्या कहा गया था, इसे इनफाइनाइट भी कंसिडर किया जाता है और ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि कोई भी एक कॉमोडिटी बहुत कम प्राइस चेंज होने की वजह से कितना ज्यादा उसकी सप्लाई में चेंज आ जाता है, तो उसे हम परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कंसिडर करते हैं। दूसरा जो है हमारा दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक, ये प्राइस के चेंज होने की वजह से सप्लाई पे कोई चेंज नहीं आता, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक में क्या कहा गया था, यूनिटरी इलास्टिक में इन्होंने बोला था कि जितना प्राइस में चेंज आएगा उतनी सप्लाई में चेंज आएगा, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। इलास्टिक में इन्होंने क्या बोला, इलास्टिक में कहा था कि जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आएगा उससे ज्यादा सप्लाई में चेंज आएगा, दैट इज इलास्टिक। और इन इलास्टिक में इन्होंने क्या बोला था, इन इलास्टिक में इन्होंने बोला था कि जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज होगा उससे कम परसेंटेज में सप्लाई में चेंज होगा, दैट इज इन इलास्टिक। ठीक है, तो ये लास्ट वाला आप ग्राफ देख सकते हैं जहां पे इलास्टिक एंड इन इलास्टिक की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आई होप एंड बिलीव कि आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।